12th क्लास तक 18 साल और कॉलेज के ये 2 साल कोई कंपैरिजन ही नहीं है। I was that introvert kid in school days. It feels like kali to maine JEE preparation start kiya tha aur aaj engineering ke 2 saal nikal bhi gaye. Hello, if you are new to this channel, main sat Om Kumar and here are my 2 years at BGTI in under 4 minutes. लड़खड़ाता हुआ जाम ढूंढ रहा हूँ, सूरत से मुखातिब मैं वो शाम ढूंढ रहा हूँ, मंजर मेरी नजर में ये सब सीन। वॉक द स्टेज। कॉलेज का पहला दिन कैंपस पे नहीं लैपटॉप पे। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हमारा फर्स्ट सेम तो ऑनलाइन निकलने वाला था, जब सब चिल था, ना एकेडमिक्स का टेंशन ना अटेंडेंस का। खैर असाइनमेंट्स तो छोड़ो, व्हाट्सएप ग्रुप पे ही मिल जाते थे और दोस्त गूगल मीट पर। कैन यू इमेजिन, कॉलेज फेस भी हमारे गूगल मीट पर ही निकल गए। फाइनली अब हम सेकंड सेम करने ऑफलाइन जाने वाले थे और एक दोस्त का कॉल आता है, भाई कल हॉस्टल शिफ्ट होना है और हमें एक रूममेट की जरूरत है, सो इफ यू डोंट माइंड तो आएगा। और यहाँ से शुरू होता है एक नया सफर जहाँ मुझे मिलते हैं मेरे जैसे कुछ दोस्त। अब हम हॉस्टल रूम में कम और बाहर ही ज्यादा रहने लगे, कभी हॉस्टल के कॉरिडोर्स में तो कभी कैंपस के बाहर फाइव गार्डन्स में। सर क्यों अकेले बैठे हो? मेकअप हो गया है। यार बर्थडे तो यहाँ कुछ अलग ही लेवल पे होते थे। एंड इफ यू डोंट नो, कॉलेज में ना GPL भी कहा जाता है, ऑफ कोर्स फॉर अ रीजन। साथ ही कॉलेज में आई गॉट टू नो कि आई एम नॉट दैट सोशल किड, तो अब इंट्रोवर्ट का धब्बा हटाने के लिए मैं शुरू करता हूं अपना YouTube चैनल, जिसके चलते आई गॉट टू मीट सम ऑफ माय फेवरेट यूट्यूबर्स टू। खैर कॉलेज नेवर डिसअपॉइंटेड अस इन डिसअपॉइंटिंग अस, सोच कर आए थे कोडिंग करेंगे और कॉलेज हमसे ये करा रहा था। आई स्टिल रिमेंबर द डे व्हेन माय पापा एंड अंकल लेफ्ट मी एट द कॉलेज एंड आई वाज लिटरली स्केयर्ड, क्या होगा कैसे होगा। बट आफ्टर एन ईयर ऑल दिस थिंग्स केम आउट टू बी फॉल्स ड्यू टू दिस फेलो विचेस। हम कॉलेज में कम और मुंबई की बारिश जितने मरीन ड्राइव पर ज्यादा रहते थे। लिटरली माय फर्स्ट ईयर फेल्ड लाइक अ मिनट। अब सेकेंड ईयर में आते ही हमें मिलता है नया हॉस्टल, नया डिपार्टमेंट और नए जूनियर। प्लस ये साल हमें पहली बार कॉलेज में ऑफलाइन फेस अटेंड करने मिलता है, विच वेर अनडाउटेडली सम ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ आवर कॉलेज लाइफ। और हॉस्टल में तो हमने क्या कुछ नहीं किया, दोस्तों के साथ होली खेलने से लेकर दोस्तों के साथ IPL टीम्स के लिए झगड़ना सब। तो IPL का सीजन है, कुछ हसीन चेहरे भी हॉस्टल में और कुछ नाराज चेहरे भी है, तो आपको नाराज चेहरे दिखा देता हूँ पहले। अरे बोल 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 अच्छे बोल हटे बोल बोल रे बोलना बोलना बोल। And one of the best things which happened to me this year was my first YouTube income, which I spent on purchasing gifts for my parents. And अब हमारी outings बस मुंबई तक ही limited नहीं रही। We even booked villas, went to Kokan and what not. बस इतना ही नहीं, even I started focusing on my health this year. Gym जाना, body बनाना और इन सब से fed up होने के बाद दादर deck पर sunset देखने जाना। और इसी के साथ हमारा second year भी निकल गया और हमें कुछ lifetime यादें देकर गया। हट बे जल्दी सुन जल्दी पानी।